हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। टैलेंटेड स्टूडेंट्सों का टैलेंटेड स्टूडेंट चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्ड पावर मेडिजी का सेशन 31 का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला वर्ड रूट है, ठीक है, आइकन। ठीक है, आइकन का मतलब, जो इस वर्ड रूट का जो मतलब होता है, मतलब एक रिलीजियस इमेज। ठीक है, एक रिलीजियस इमेज। और लेन का मतलब होता है ब्रेक, तोड़ना, टू ब्रेक। तो दोनों वर्ड रूट से मिलकर हमारे एक वर्ड रेडी हुआ, आइकनोक्लास्ट, जिसमें से यहाँ से आई हट ई हटा दिया गया है और आइकन यहाँ से दिया गया है। और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे लास्ट में एल ए, इस वर्ड को एल ए एस यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड तैयार हुआ है, आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट क्या होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो जो पुराना हमारा धार्मिक विचार है, धार्मिक इमेजेस हमारे में जो बना हुआ है, ये उसको तोड़ते हैं। ये उनको विश्वास नहीं करते। ठीक है, मतलब इनका मानना रहता है कि अगर इनको प्रूफ मिलेगा तभी ये लोग किसी चीज़ को मानेंगे, बाकी बाकी जो पुराना प्रथा है उनको ये लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, आइकनोक्लास्ट मतलब जो पुराना हमारा प्रथा चलते आता है कि जाके आप इस मंदिर में पूजा कर दीजिए, आपको ऐसा फल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आइकनोक्लास्ट जो लोग रहते हैं, वो लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी भगवान का माला पहनने से हमें ऐसा फ़ायदा होगा, थर्सडे को फास्टिंग करने से ऐसा फ़ायदा होगा, ये ऐसा ऐसा कुछ भी जो हमारा पुराना मानना था, इनको ये सपोर्ट नहीं करते, इनको ये अपोज करते। ये लोग रीज़न चाहते हैं कि ऐसा क्यों, रीज़न दीजिए तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ड रूट जो हमारा है, थियोस, THEOS। ठीक है, थियोस उसका मतलब होता है गॉड। ठीक है, इससे एक वर्ड बना है, अथिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ए जो हमारा है नेगेटिव प्रिफिक्स है, इसका मतलब होता है गॉड। ठीक है, ये थियोस जो यहाँ पे थियोस वर्ड रूट से मिलकर बना है। ठीक है, तो थिस्ट वैसे लोग होंगे जो भगवान को मानते हैं, अथिस्ट कैसे होंगे जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव प्रिफिक्स है, और जो थियो यहाँ से वर्ड रूट कर लिया गया है गॉड का। ठीक है, मतलब उसमें नेगेटिव प्रिफिक्स लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अथिस्ट को कैसे लोग होंगे? अ पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब थियो मतलब गॉड, तो थियोलॉजी मतलब हो जाए स्टडी ऑफ गॉड, या फिर स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिलीजन, फैक्ट, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस, द स्टडी ऑफ गॉड एंड गॉड्स रिलेशन टू द वर्ल्ड। थियोलॉजी बिल्कुल इजी समझ में आ गया होगा, थियो मतलब गॉड, थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड और गॉड से रिलेटेड कोई भी चीज़ को। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है, हमारा वर्ड रूट है, वो वर्ड रूट है हमारा नोस्टोस। ठीक है, नोस्टोस मतलब होता है नोन, जो हमें जानते, जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, नोस्टोस मतलब होता है नोन, जो हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ABCD जानते हैं, या फिर दुनिया का कोई भी सच जानते हैं, तो ये हम लोग के लिए नोन है। ठीक है, तो इससे वो एक हमारा वर्ड नया बना है, मतलब यहाँ पे देखे, एक नोस्टिक, एक नोस्टिक, यहाँ पे ए जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है, इसका मतलब था नो, मतलब टू नो, जो हम लोग जान रहे हैं, और इसका मतलब था नेगेटिव प्रीफिक्स, मतलब हम लोग नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग मतलब ये मतलब अननोन है हमारे लिए, यहाँ नोन इस वर्ड अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, नॉस्टिक, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब होता है नोन, और ए लग गया मतलब अननोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी की चीज़ के बारे में नहीं जानता है, तो एग्नोस्टिक है उस चीज़ के बारे को, उस चीज़ को लेकर। जैसे अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव और इन अनश्योर ऑफ समथिंग, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता और श्योर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी कंडीशन को ले लीजिए कि अबाउट, मान लीजिए कोई एक ऐसा केस है जिसके बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पता है। ठीक है, तो उस केस को लेके वो व्यक्ति कैसा है? एग्नोस्टिक है। और ये पहला बात है। दूसरा बात है कि इनको हम लोग रिलीजन से भी जोड़ते हैं, इस वर्ड को रिलीजन से कैसे जोड़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वो व्यक्ति, एक कोई व्यक्ति है जो गॉड के बारे में नहीं जानता है, वो गॉड पे विश्वास भी नहीं करता, गॉड को अपोज भी नहीं करता, क्योंकि वो गॉड के बारे में कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो एग्नोस्टिक क्या लेंगे? अथिस्ट नहीं होंगे, मतलब जो भगवान पर विश्वास ना करे, ये भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं और उनका जो पुराना रिलीजन है उसको अपोज भी नहीं करते, क्योंकि ये गॉड के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लोग बिल्कुल गॉड को लेकर न्यूट्रल रहते हैं,
कि हाँ हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट गॉड, ठीक है। तो अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ डेफिनेट बिलीव अबाउट वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। जैसे अर्थिस्ट जो थे वो लोग सीधा सीधा बोलते भगवान नाम का चीज़ कुछ नहीं होता, बट एग्नोस्टिक लोग जो होते हैं उनका ऐसा कुछ नहीं कहना। वो लोग का कहना कि भगवान है या नहीं है हमें नहीं पता, हम नहीं जब तक उनके बारे में नहीं जानेंगे हम कुछ नहीं कह सकते, ये लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो एग्नोस्टिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ठीक है, वर्ड रूट है, ठीक है, डायग्नोसिस। ये वर्ड हमारा डायग्नोसिस, डाय मतलब थ्रू, किसी के हेल्प से, ठीक है। तो और नो, अब हम लोग उससे अभी शुरू में ही देखे, ठीक है, नोस्टोस मतलब नोन, ठीक है, और डायग्नोसिस उसी वर्ड रूट से मिलके बना है, ठीक है, डाई थ्रू, ठीक है, और नोसिस नोस, नोस्टोस जो हमारा वर्ड था, था क्या, GNOSTOS, नोस्टोस मतलब होता था कि नोन, ठीक है, नोन। तो थ्रू मतलब किसी के हेल्प से जानना, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेडिकल टर्म है जिसमें हम लोग कि किसी पर्टिकुलर इलनेस, किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में जानते हैं किसके थ्रू, कोई टेस्ट के, कोई एग्जामिनेशन के थ्रू, कोई टेस्ट किया जाता है, बहुत सा टेस्ट होता है, ठीक है, उस टेस्ट के हेल्प से हम लोग जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो किस किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, ठीक है। डायग्नोसिस द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज इलनेस और प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग समवन और समथिंग। आप लोग शायद क्लियर हो गया होगा डायग्नोसिस का मतलब। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रूट है प्रो, प्रो मतलब बिफोर, ठीक है। अब जो हमारा वर्ड है प्रोग्नोसिस मतलब पहले नोन, पहले ही जान जाना। तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कोई ऐसा बात बोल देना जो फ्यूचर के बारे में हो और आप पहले ही उसको जान गए हैं। प्रो मतलब बिफोर, ठीक है, और नोसिस मतलब कि पहले से आप मतलब नोसिस मतलब नोन, ठीक है, तो पहले से नोन, ठीक है, तो पहले से नोन मतलब आप पहले से किसी चीज़ के बारे में जान गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है अ जजमेंट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, क्लियर है। अब ये मेडिकल टर्म में भी यूज़ होता है। मेडिकल टर्म में कैसे यूज़ होता है कि डॉक्टर प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी जैसे पर्टिकुलर डिजीज़ इलनेस से सफ़र कर रहा है तो वो क्या खाएगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टोन का केस, स्टोन का केस में क्या होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं आप पानी ज़्यादा पीजिए, आप पानी ज़्यादा पीजिएगा तो आप ठीक हो जाइएगा, इन फ्यूचर आपको नहीं होगा स्टोन्स किडनी में या गॉल ब्लैडर में कुछ भी, ठीक है। तो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है तो डॉक्टर क्या करते हैं वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, नींबू पानी पीजिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप मोटा नहीं होइएगा, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स सजेशन देते हैं अपने कि अगर आप ये खाइएगा तो फ्यूचर में आप ठीक हो जाइएगा, ठीक है, तो आप रिकवर हो जाइएगा अपने प्रॉब्लम से। प्रोग्नोसिस मतलब कि डॉक्टर भी पहले से जान रहे हैं कि ये सब, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि जो भी पेशेंट अगर किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो क्या खाएगा क्या पिएगा तो इन फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, या फिर कोई दवा देने से ये दवा लिखने से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हाउ समवन विल रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और इंजरी। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल इजी है, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मोनो मतलब होता है वन, अथिज्म मतलब होता है बिलीफ इन गॉड, ठीक है। तो मोनोथिज्म क्या होता है, बिलीफ इन वर्ल्ड वन गॉड, मतलब जो सिर्फ एक ही भगवान को माने, जैसे मान लीजिए सिर्फ हनुमान जी है, सिर्फ शंकर जी है, ठीक है, और कोई भगवान को नहीं माने, सिर्फ एक ही भगवान को लेके वो चले, ठीक है। पॉलीथिज्म, पॉली मतलब होता है बहुत, मेनी, ठीक है। तो पॉलीथिज्म क्या होगा, बिलीफ इन मेनी गॉड्स, इनको बहुत सारे गॉड्स में विश्वास है, जैसे हिंदू मुस्लिम सब सब धर्म में विश्वास रखता हो वो, ठीक है, हर एक भगवान को मानता हो, उसे पॉलीथिज्म कहेंगे, ठीक है। पैनथिज्म, पैन मतलब होता है ऑल, ठीक है, ऑल, ऑल थिज्म मतलब सब में भगवान है। तो पैनथिज्म मतलब क्या होता है कि जो पैनथिज्म जो है उन जो लोग पैनेथिस्ट रहेंगे उनका मानना रहेगा कि गॉड सिर्फ सिर्फ हमारा मतलब मैन किसी पर्टिकुलर आदमी या फिर किसी पर्टिकुलर आदमी इमेज में नहीं है, वो पूरा संपूर्ण पावर है, पूरा विश्व का पूरा पावर है, गॉड सबको मिला के गॉड बनते हैं, ठीक है, हर हमारे पूरे नेचर में गॉड है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन पर गॉड नहीं है, पूरा हमारा नेचर ये सब गॉड का ही पार्ट है। हमारा गॉड जो है हर एक चीज़ में बसते हैं, हमारे गॉड नेचर में बसते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से, ठीक है, उससे मेरे को अच्छा लगता है और कुछ नहीं। थैंक यू।